अपराध की घटनाएं चरम पर हैं। यहां लूट हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जनपद में तार तार हो रही कानून व्यवस्था के बाद पुलिस महकमा कुंभकर्णीय नींद में है। इससे अपराधियों का हौसला बुलंद है और वो एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनके सामने पंगु बनी हुई है। शाहगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम कोडिया मोहल्ले में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने यहां बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी के साथ 4 लाख का आभूषण पार कर दिया है। सुबह चोरी की घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया है। मकान के अंदर अलमारी के लॉकर, गेट का टूटा ताला, बिखरा हुआ सामान आदि देखने को मिला, जिसके बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि अशोक कुमार अपने परिवार के साथ पैतृक आवास शाहगंज नगर के मेन रोड पर रहते हैं। उस क्षेत्र के पश्चिमी कोडिया मोहल्ले में एक और मकान है जो इन दिनों बंद पड़ा है, जहां चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक का कहना है कि कमरे की अलमारी में कावरिया संघ शिव संस्था का चंदा का पैसा, 1,20,000 रूपये नगदी और उनके घर गहने सोने के आभूषण समेत 4 लाख रूपये का आभूषण चोरों ने पार कर दिया है। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले के खुलासे की बात कही, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या पूरा मामला है? ये कालदत्त कवरिया संघ के हम अध्यक्ष है। आई मंदिर बनवावे के चंदा 20-20 रुपया बटोर के इकट्ठा कर रहे थे, तो मंदिर अब काल परसों हाथ में लगे था और 1,20,000 रुपये हम लोगन बटोर के धरे थे और वो पैसा ताला तोड़कर उठा ले गए। और फिर हमारा परिवार रहते हैं, गए थे बम्बई और उसके बाद जेवर पताए वहाँ कपड़ा लगता था और पीछे कमरा तोड़ के पूरा सामान उठा ले गया। लगभग कितने का चोरी हुआ? लगभग 1,20,000, कम से कम 4 लाख 5 लाख के जेवर रहे किया। थाने पे सूचना दी, पुलिस क्या कही? पुलिस कॉल थे, कहने दे दीजिए कोतवाल साहब, तब हम आए के इंक्वायरी करेंगे। क्या पुलिस आई थी? 112 नंबर आया था। थाने से कोई पुलिस आई थी? हाँ। क्या चाहते हैं पुलिस से आप? अब वो छानबीन करें। और क्या नाम है आपका? अशोक कुमार बाबा। कौन सा मोहल्ला है ये? क्या पश्चिमी कौड़िया पक्का पोखरा काली मंदिर के पास, काली चौराहा।